हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, हमारे घर में पूरी दीवार ख़राब हो गई थी, तो मैंने आज वाइट पुट्टी मंगा ली है। ये वाइट पुट्टी है, इससे पूरा दीवार का जो सीमेंट झड़ चुका है उसे हम सही कर देंगे। और ये वाइट सीमेंट लगाने के लिए ये है पत्तियाँ, ये दो पत्ती होती है, छोटी एक बड़ी। और ये एक ट्रे पड़ी हुई थी पुरानी, तो मैंने इसी को ले लिया है। एक पन्नी ले ली है ताकि गिरे तो गंदा ना हो। और ये हमने सीमेंट ले लिया, और ये वापसी इसी तरह से हम ढक के रख देंगे, वरना हवा लगेगी तो ख़राब हो जाएगा। और ये ना वो वाइट वाइट वो बन जाते हैं इसमें। तो ये गद्दे पे हमने कवर हटा लिया है, और इसे ना अच्छी तरह से मिलाएंगे। एक इक्वल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। सूखा मतलब नहीं लगेगा वॉल पे और पूरा वापसी उतर जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा लगा के भी दिखाती हूँ। ये पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अगर इसके अंदर सूखा रह गया तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये अभी ना ये पतला पतला सा लेयर हो रहा है, तो मैं अभी आपको अच्छी तरह से अभी लगा के दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे इसमें। देखिए अब थोड़ा सही हो गया ये, तो फिर भी थोड़ा सा पानी और मिक्स करके दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि मतलब बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसमें। तो ये हमने देखिए पानी मिला के पूरा मिक्स अच्छी तरह से कर लिया है, और ये दोनों पत्ती की हेल्प से अब इसको लगाना शुरू करेंगे। और ये देखिए, दोनों पत्ती की हेल्प से हम इसको लगाएंगे तो अच्छी तरीके से पूरा जो गड्ढे हो जाते हैं, सीमेंट पूरा झड़ के हो जाता है, इसको पूरा ये कवर कर लेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अब लगना शुरू हो गया है। पूरा दीवार जो ख़राब हो चुका था बरसात की वजह से, वो अब सही लगेगा थोड़ा सा। और ये यहाँ पर मेरा बेड रखा है, इसलिए पूरा नीचे से की तरफ से नहीं लग पाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लग रहा है कि, पर बाद में मैं इसको बेड को हटा के थोड़ा नीचे से भी लगा दूँगी। और ये अभी हमने एक लेयर लगा दिया है, और जब सूखेगा तो थोड़ा सा दूसरा लेयर भी इसमें लगाऊंगी मैं। तो ये अभी लग गया है देखिए, और जब ये सूख जाएगा ना, तो अभी थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, और ये ऊपर का वॉल का कलर और ये नीचे का अलग दिख रहा है, मैं जानती हूँ। पर अभी इसको हम जब पूरा ये हो जाएगा, पूरा जो कवर हो जाएगा, उसके बाद वापसी इसको पेंट करेंगे। और मैंने यहाँ पे पहले भी एक पेंटिंग बनाई थी, तो आपने शायद वो वाला वीडियो देखा नहीं है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देख थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत कवर भी हो गया है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा बहुत ये पत्ते दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने पेंट में कवर कर दिया है। तो जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना अभी जो टूटे फूटे है उससे तो बेटर लग रहा है, क्योंकि बच्चा है घर में, तो बच्चे भी सीमेंट वगैरह जो गिरता है वो खा लेते हैं, इसलिए तो मैंने ये थोड़ा करने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे ये ना दोनों कलर मुझे अलग अलग हो गया है, तो यहाँ पे जब ये सूखेगा ना, ये थोड़ा थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा आपको, तो ये जब अभी दोबारा से इस पर एक शेड और लगेगी ना, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। थैंक यू गाइज़।